आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर जब हम IVF सजेस्ट करते हैं तो ऐसा भय बैठ जाता है पेशेंट्स में कि शायद ओवरीज में सारे अंडे खत्म हो जाएंगे, जो भी इंजेक्शंस दे रहे हैं उसके बाद सारे अंडे ले लेंगे, उसके बाद कोई अंडा नहीं बचेगा। तो ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में और थोड़ी जानकारी आपको जब दी जाएगी तो आप समझ जाओगे कि IVF एक बहुत आसान तरीका है जिससे आपके एग्स को कुछ नहीं हो रहा है। जो ओवरीज में जितने एग्स हैं वो रहेंगे, थोड़े से एग्स हम उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं। उसको जानने के लिए आपको नेचुरल विधि समझनी चाहिए। जब आप अपने माँ के गर्भ में होते हैं तो आपके अंडे तैयार हो रहे होते हैं। तकरीबन 2 से 3 महीने पहले जब आप पैदा होने वाले होते हैं तब ये अंडों का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाता है। पैदा होने के बाद ये अंडे एकदम एक स्लीपिंग स्टेज में होते हैं। ऐसे सोचिए जैसे कि सो रहे हैं, बट जब आपके पीरियड शुरू होते हैं, जब आप टीनेजर हो जाते हैं और आपके पीरियड शुरू होते हैं, तब ये अंडे एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एक्टिवेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही एक्टिवेट होता है। होता ये है कि एक ग्रुप ऑफ एग्स तैयार होते हैं इस महीने के पीरियड के लिए। उसमें से एक ही होता है जो एक्टिवेट होकर, जो सोचिए कि डोमिनेंट, जो तगड़ा है, और वो एक ही जो एग है वो रिलीज होता है। कैसे होता है ये सब? ब्रेन से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। इन हार्मोन्स के प्रभाव में ये जो 10 से 20 एग्स कोहॉर्ट, मैंने कहा ग्रुप, जो कोहॉर्ट होता है, जो ग्रुप होता है, वो बड़े होना शुरू होते हैं। इनमें से एक ही ऐसा एग होता है जो बहुत ताकतवर होता है और हार्मोन्स का जो सिग्नल्स आ रहा है वो केवल ले सकता है, बाकी सब जो एग्स हैं वो नहीं ले पाते, और ये जो डोमिनेंट एग है वो रिलीज होता है। बाकी जो कोहॉर्ट में, बाकी जो ग्रुप में एग्स होते हैं वो मर जाते हैं। सोचिए कि डीजेनरेट हो जाते हैं, उसे एट्रिसिया कहते हैं, और वो मर जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो हर महीने चल रही होती है जब तक वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो ये जो ग्रुप होता है बढ़ते हैं, सिर्फ एक रिलीज होता है, बाकी मर जाते हैं, क्योंकि आपके पास मिलियंस हैं एग्स। ये प्रक्रिया हर महीना चलता होता है। IVF में हम ऐसा कर रहे हैं कि इंजेक्शंस दे रहे हैं ये कोहॉर्ट के एग्स को कलेक्ट करने के लिए। तो ये नहीं है कि एक ही एग कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं है कि सारे एग्स जो भी जितने भी ओवरी में है वो ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो कोहॉर्ट, जो ग्रुप इस महीने के लिए तैयार हो रहा है उनमें से सारे के सारे हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इंजेक्शन आपको दिए जा रहे हैं उस ग्रुप के एग्स को बड़े करने के लिए दिए जा रहे हैं, और सिर्फ केवल वो एग्स को बाहर निकाला जाता है IVF के दौरान। तो होता ये है कि क्योंकि ये इंजेक्शन सिर्फ 10 दिन के लिए दिए जा रहे हैं, उनका इफेक्ट भी सिर्फ 10 दिन का होता है, और उसके बाद अगले महीने में इसका इफेक्ट चला जाता है और आप अपने नेचुरल साइकिल में दोबारा चले जाने के चांसेस आपके अच्छे होते हैं। तो ये भय आपके मन में से निकाल दीजिए कि IVF के बाद आपके ओवरीज में कोई अंडे नहीं बचेंगे। हम लोग सारे IVF के लिए यूज कर लेंगे अगर, तो आपके पास बॉडी में कोई एग्स नहीं बचेंगे, ऐसा नहीं होता है। बट प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है कि 35 के बाद, मतलब 35 ईयर्स के एज के बाद एक महिला के एग्स कम होते रहते हैं, जो क्वालिटी एग्स का होता है वो कम होता रहता है, जिसकी वजह से जो ग्रुप तैयार हो रहा है वो भी छोटा होता रहता है। और जैसे जैसे मेनोपॉज यानी पीरियड्स के ना होने की एज पास आते रहती है उसमें ये नंबर्स भी कम होते रहते हैं। इसका अनुमान हम AMH हार्मोन के द्वारा लगा सकते हैं, या FSH के द्वारा लगा सकते हैं, या अल्ट्रासोनोग्राफी करके भी लगा सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, IVF कैसे करते हैं, इसके बारे में आपके मन में कोई शंका है या कोई भय बैठा हुआ है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फ़ोन करके ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।